मध्य प्रदेश में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। प्रदेश भर में इस साल अब तक डेंगू से संक्रमितों का आंकड़ा 2600 तक पहुंच गया है। अकेले सितंबर माह में ही 1200 मरीज मिल चुके हैं। डेंगू से निपटने के लिए आम लोगों की भागीदारी बढ़ाने की खातिर डेंगू से जंग जनता के संग अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। उन्होंने सभी से डेंगू और कोरोना से अलर्ट रहने की अपील की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने भोपाल के नेहरू नगर के पलकमती परिसर से डेंगू से जंग जनता के संग अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने फॉगिंग मशीन हाथ में लेते हुए खुद मोर्चा संभाला और धुएं का छिड़काव किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज डेंगू का प्रकोप बढ़ा है, मलेरिया भी आ गया है, हम सजग रहेंगे तो इससे भी निपट लेंगे। हम सभी को पता है डेंगू और मलेरिया कैसे होता है। कूलर का पानी, टंकी में भरे पानी में मच्छर का लार्वा पनपता है। घर में लार्वा है तो उसे नष्ट करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। अगर डेंगू को पूरी तरह से रोकना है तो प्रदेश की पूरी जनता सावधानी बरते। मध्य प्रदेश में मंदसौर, जबलपुर, इंदौर में डेंगू के मामले बढ़े हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि डेंगू के उपचार के लिए सभी जिला अस्पतालों में 10-10 बिस्तर के आइसोलेशन वार्ड बनाए जा रहे हैं। आयुष्मान योजना में भी डेंगू और चिकनगुनिया रोग के निःशुल्क उपचार का प्रावधान किया गया है। जो डेंगू और मलेरिया है, मच्छर का जो लार्वा होता है वो भरे हुए पानी में पनपता है। पानी चाहे कूलर में भरा हो, टंकी में भरा हो, डेंगू का लार्वा पनपने से रोकना है तो कूलर का पानी बदलना पड़ेगा। अरे यार, किसी बर्तन में पानी रखा है तो वो भी खाली करना पड़ेगा। उसमें लार्वा मारने की दवाई या मछली डालनी पड़ेगी। नगर निगम और सरकार अपने काम करेगी, लेकिन घरों में तो जनता को सहयोग देना होगा और इसलिए ये अभियान हमने चलाया। इस मौके पर मुख्यमंत्री के साथ चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता, भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया समेत कई नेता व अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कोरोना के प्रति प्रदेशवासियों को एक बार फिर खबरदार करते हुए कहा कि जनता का सहयोग रहा तो कोरोना की तीसरी लहर को मध्य प्रदेश में नहीं आने देंगे, लेकिन जनता से उम्मीद है कि कार्यक्रमों में वे सावधानी बरतेंगे, मास्क लगाएंगे, टीका जरूर लगवाएंगे। उन्होंने कहा कि भोपाल में कोरोना से बचाव के टीके का दूसरा डोज सिर्फ 40% लोगों को ही लगा है। कई लोग पहला डोज लगवाने के बाद भूल जाते हैं, दूसरा डोज भी आवश्यक है, इसे जरूर लगवाएं। हमने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप्स बनाए, आप सब लोगों का सहयोग मिला और अभी तो मैं ये कहने की स्थिति में हूं कि कोविड मध्य प्रदेश में नियंत्रित है। आज भी 8 पॉजिटिव केस पूरे मध्य प्रदेश में आए हैं। आप सबकी सहयोग से और भगवान की कृपा रही तो तीसरी लहर मध्य प्रदेश की धरती पर हम नहीं आने देंगे, लेकिन उसके लिए सजगता जरूरी है। तो मास्क भी लगाए रखें। कार्यक्रम जो आयोजित हो रहे हैं, गणेश उत्सव हो, धार्मिक हो, सामाजिक हो, उनमें पूरी सावधानी रखें और कृपया करके टीके जरूर लगवा लें। भोपाल में अभी सेकेंड डोज केवल 40% लोगों को 40% लोगों को लगाए और ये इस समय सबसे बड़ी सेवा होगी। फर्स्ट डोज सितंबर में कंप्लीट करेंगे, सेकेंड डोज दिसंबर तक कंप्लीट करके कोरोना की तीसरी लहर को रोक देंगे, मध्य प्रदेश को तबाही से बचा लेंगे, जनता की जिंदगी बचा लेंगे। यही अपील करने आपके बीच आया था। मुझे पूरा विश्वास है आप केवल आपके लिए मुख्यमंत्री नहीं हूं, आपके परिवार का सदस्य हूं। मैं तो आपके परिवार का सदस्य हूं, आपका भाई हूं, बेटे बेटियों का मामा हूं। मैं भावुक होकर आत्मीयता के साथ आपसे अपील कर रहा हूं, कृपया इस अभियान में हमारा साथ दीजिए ताकि हम कोरोना को भी हरा सके, डेंगू और मलेरिया को भी हरा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मस्ती और मुझसे कौन कहता है पनीर सीधा साधा होता है? ये ना तो सीधा है ना सादा, चटपटा है। नया मिल्क मैजिक हेल्दी क्यूब बाइट्स, स्पाइस इन्फ्यूज्ड पनीर, खाओ कभी भी कहीं भी। मिल्क मैजिक हेल्दी क्यूब बाइट्स, पनीर पे अब मस्ती चढ़ गई। एपेक्स बैंक मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, समृद्धि आपकी, योजनाएं हमारी। वाहन ऋण, आवास ऋण, व्यक्तिगत ऋण, भ्रमण ऋण, उच्च शिक्षा ऋण, व्यापारियों को साख सीमा ऋण, त्योहार ऋण, चिकित्सा ऋण, परियोजना, उपभोक्ता ऋण, आभूषणों के तारण पर ऋण,
अचल संपत्ति के बंधक पर ऋण क्यों देखें महज सपने, आइए करें उनको साकार। केंद्र, राज्य शासन, शासकीय निगम, मंडल बोर्ड, समस्त सहकारी बैंकों, संस्थानों एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों के लिए उपरोक्त समस्त ऋण रियायती ब्याज दर मात्र 8% पर ऋण सुविधा उपलब्ध। वरिष्ठ नागरिकों को सावधि जमा पर 1% अधिक ब्याज सुविधा का लाभ लेने के लिए नजदीकी एपेक्स बैंक की शाखा में संपर्क करें। LNCT से आपका ब्राइट फ्यूचर बुला रहा है। फ्रॉम LNCT यूनिवर्सिटी प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल एक्सपोजर फॉर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, एग्रीकल्चर साइंस, पैरामेडिकल, लॉ एंड मेनी मोर। विजिट lnctu.ac.in। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।